नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु वानखेड़े है। मैं गौरवंशी जीएस सेंटर से काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर मैं आकर स्टेज पर भी नहीं बोल पाता था, लेकिन आज आप देख रहे हो मैं टीचिंग भी कर पा रहा हूँ। मैं सारी यहाँ चीजें पे जो मेरे में ग्रोथ आई है गौरवंशी जीएस सेंटर के माध्यम से, इसलिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। गौरवंशी सर हमारे इस अवसर में 2 साल से आ गए हैं। काफी सालों से सर छिंदवाड़ा में कार्यरत है, 10 सालों से, और अभी 2 साल हो गए कि इस अवसर में भी हमें यह मिल रहा है कि ग्रामीण बच्चे जो है हमारे यहाँ पे, जो इस अवसर के आसपास के जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, शिक्षित हो पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, इतने कम बजट में इतना पढ़ पा रहे हैं और सिलेक्शन के करीब है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे भी सिलेक्शन लिया हुआ है और सिलेक्शन लेते ही जा रहे हैं, और इसी प्रकार संस्थान हमारा बढ़ रहा है। और सर का जो उद्देश्य है कि ग्रामीण बच्चा जो कम फीस में अच्छा सिलेक्शन ले, बने और आगे जाके अधिकारी बने, सारी चीजें हो पा रही है सर का, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जीएस भी यहाँ पर बहुत बेहतरीन मिलता है, मैथ्स के लिए बहुत अच्छे टीचर है और सारी व्यवस्थाएं हमें मिल रही है, इसलिए आइए और हमारे संस्थान पे पढ़िए और सिलेक्शन सिलेक्शन लीजिए और सौसर का नाम आगे बढ़ाइए। मैं आपके सौसर का हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आप आइए और गौरवंशी सर से पढ़िए, क्योंकि जीएस बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मिलेगा और मैथ्स भी यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा और आपका हो सिलेक्शन। गई पीर परोसी पिघलनी चाहिए इस गौरवंशी जीएस सेंटर से, सिलेक्शन की गंगा निकलनी चाहिए। हो गई पीर परोसी पिघलनी चाहिए इस गौरवंशी जीएस सेंटर से, सिलेक्शन की गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना सर का मकसद नहीं, इस अवसर की तकदीर बदलनी चाहिए।